तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम्हारे यहाँ छुपा तो नहीं है पोपटलाल? नहीं। क्या करो भिड़ो भाई? देख रहा हूँ भाई, इधर नहीं है। मेहता साहब। अरे आवा पोपटलाल, मैंने एक मस्त कविता लिखी है। अरे अभी कविता छोड़िए, मेरा मतलब है कविता रहने दीजिए, मेरी दुनिया हिल गई है। क्या हुआ? वो सब बाद में बताता हूँ, पहले मुझे आपके घर में कहीं छुपाई है। क्यों? अरे पोपट भाई, अरे वो भीड़ है ना, भीड़ है। वो आज शिक्षक से शिकारी बन गया है। वो धोखा लेकर मेरे पीछे पड़ा है, मुझ पर हमला करने के लिए मुझे ढूंढ रहा है। अरे पर भेड़े भाई, आप पर हमला क्यों करना चाहते हैं? पहले पोपटलाल से पूछो कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि भेड़े बिना किसी बड़ी वजह के शिक्षक से शिकारी नहीं बन सकता। मेहता साहब, दरअसल क्या है, वो हुआ यूं कि पोपटलाल कंफर्म सोसाइटी के बाहर नहीं गए, मतलब वो गार्डन है तो मंदिर में छुपा होगा। अरे 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 भिड़ पोपट भाई, पोपटलाल कहाँ छुप कर बैठे हो? पोपटलाल, ओ पोपटलाल, तुम सब यहाँ पे? अरे एक जगह क्या मतलब ढूंढ के, मुझे काम करो, तुम यहाँ देखो, मैं मंदिर में देखता हूँ। हाँ ठीक है। पोपट भाई, भाग गया कहाँ ये? अरे ये पोपटलाल इंसान है, रियल पोपट थोड़ी जो झाड़ पे देख रहे हो। डर के मारे ऊपर भी तो जा सकते हैं ना। पोपटलाल गार्डन में भी नहीं है, इसीलिए भिड़े खूंखार शेर की तरह मुझे ढूंढ रहा है। तो ढूंढेगा ही ना, तुमने हरकत ही ऐसी की है। पोपट भाई सॉरी, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जब भिड़े ने तुम्हें मना किया था तो तुम्हें विद्या के गांव नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की है इसने। मेहता साहब, अगर कोई रास्ता भटक रहा हो तो उसको सही रास्ता दिखाना अच्छी बात नहीं है। अरे तो विद्या और उसके परिवार को सही रास्ता उसके रिश्तेदार दिखाएंगे, भिड़े दिखाएगा, तुम क्यों सही रास्ता दिखाने गए? क्योंकि मेरे लिए शादी का मामला था। अंजलि भाभी, अगर मुझे मेरी शादी के लिए कोई चांस दिखे तो मुझे यह चांस नहीं लेना चाहिए, आप ही बताइए। पोपट भाई, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बात हमारे लिए सही हो वो किसी दूसरे के नजरिए से गलत हो। हाँ, जैसे तला हुआ खाना मेरी नजरों में सही है लेकिन अंजलि की नजरों में नहीं है। तारक, तला हुआ खाना गलत ही है। अरे कैसे गलत है? अरे रुकिए रुकिए भाई, आप लोग कहाँ, अभी अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हाँ सॉरी सॉरी पोपटलाल, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारी बात का किसी पे क्या असर होगा, किसी का दिल दुखेगा नहीं दुखेगा, ये सोच समझ कर ही हमें आगे का कदम उठाना चाहिए। सॉरी सॉरी, माना कि मैं आपकी नजरों में गलत हूँ, लेकिन अभी आप दोनों मुझे अपने घर में छुपा दीजिए और वचन दीजिए कि अगर भीड़ यहाँ आया तो उसे नहीं बताएंगे कि मैं आपके घर में छुपा हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे झूठ बुलवाओगे? बस ना मेहता साहब, अपने परम मित्र जेठालाल के लिए तो आपने कितनी बार भर भर के झूठ बोला। चलिए मैं आपका परम नहीं लेकिन मित्र तो हूँ, और बाहर का मसालेदार खाना खाने के लिए अंजलि भाभी से आपने कितनी बार झूठ बोला है, वो उस दिन। किस दिन? अरे नहीं नहीं अंजलि, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये पोपटलाल, तुम वहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो, खुद फंसे हो तो मुझे भी बता रहे हो, अब तो मैं झूठ बोलूंगा ही। देखिए अगर भीड़े यहाँ आया और आपने उसे मेरे बारे में बताया तो आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल। वो
पोपटलाल बाहर नहीं गया है, मंदिर और गार्डन में नहीं है, मतलब वो पक्का सोसाइटी में ही कहीं है, लेकिन वो भागने की कोशिश कर सकता है। अब्दुल, एक काम करना, सोसाइटी के गेट पे ताला मार दो और तुम वहीं पे खड़े रहना। जैसे ही पोपटलाल दिखे मुझे इन्फॉर्म करना, कर ला। ओके बेटे भाई। अरे लवकर जा, ए ओ हो, जातो जातो। पोपटलाल कहाँ हो तुम? आई पापा के हाथ से धोखा ले लो ना। हाँ करो, धोखा दीजिए। क्यों? वो आपके हाथ दर्द कर रहे होंगे ना? नहीं नहीं, मेरा कोई हाथ दर्द नहीं कर रहा है, दर्द तो अभी पोपटलाल को होने वाला है। उसने मुझे बहुत मानसिक दर्द दिया है और मुझसे भी ज्यादा मेरी बहन विद्या और मामा को। हो ना हो पोपटलाल जरूर सोसाइटी में ही छुपा हुआ है। गोली गोगी, अभी हमें पोपटलाल ढूंढने मिशन स्टार्ट करना है, कर ला ना। ए कर लगी ने? हाँ, तुम दोनों यही सोसाइटी में रहना, जैसे ही पोपटलाल आते हुए दिखे मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, कर ला। अरे कर लगी ने? हाँ, माधवी मेहता साहब के घर चलते, वो सलाह मशवरा करने के लिए जरूर उनके घर पे गया होगा। चलो। नहीं नहीं बीड़े अंकल, आप मेहता अंकल के घर पर मत जाइए। क्यों? डर लग रहा है, पोपट अंकल मिल गई तो ऐसे डर लग रहा है आपके गुस्से से। आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। कभी देख लिया ना, पोपटलाल मिलने दो, इससे डबल गुस्सा देखोगे मेरा। पापा आप गलत नहीं हो, पर आपका इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। आप प्लीज मेहता अंकल के घर मत जाइए। हाँ। अरे पर क्यों? भिड़े अंकल, आप मेहता अंकल के घर, जेठा अंकल के घर, सोडी अंकल के घर, मेरे घर, कहाँ कहाँ घूमोगे? पोपट अंकल को कहाँ कहाँ ढूंढोगे? थक जाओगे। आप तो थकोगे ही, लेकिन साथ में माधवी आंटी और सोनू भी थक जाएंगे। हाँ भिड़े अंकल, आप घर जाकर आराम कीजिए, आज नहीं तो कल पोपट अंकल गोकुलधाम सोसाइटी आ ही जाएंगे। गोड़ बगा, बेचारे कितनी चिंता कर रहे हैं आपकी। थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन अभी मेरी चिंता प्राथमिकता नहीं है, पोपटलाल को ढूंढना मेरी प्राथमिकता है, कर ला। और तुम दोनों चौका देने ना, जैसे ही पोपटलाल दिखे मुझे इन्फॉर्म करना, और सोनू तुम भी यही रुकना। हाँ चलो माधवी। देखो पोपटलाल, मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो लूटे टूट जाएगी। ये पक्का पी रही है। अब रुको यार, मैं देखता हूं। ये तो सचमुच भिड़े ही है, पोपटलाल कहाँ गया? अरे मैं यहाँ हूँ, अब क्या करें, कहाँ छुपूं? अरे पहले से बेल बंद कीजिए। बेल बंद करने से भिड़े थोड़ी ना चला जाएगा। अरे हाँ, मैं बेडरूम में छिप जाता हूँ। वहाँ पे मैं छुपी है, अगर उन्हें वहाँ पर चेक कर लिया तो कहाँ छुपूं? अरे पोपट भाई, पोपट भाई, यहाँ यहाँ आप राइटिंग टेबल के नीचे छुप जाइए, वो सेफ है। थैंक यू वसीम भाभी। माधवी, मेहता साहब इतनी देर से दरवाजा नहीं खोले, मतलब नक्की पोपटलाल अंदर होगा। हो सकता है वो दोनों बाहर गए हो या तो सो गए हो। यार न लेना न देना, गले में मुसीबत का कहना। तारक आपको ऐसी सिचुएशन में भी कविता सोच रही है? अरे भिड़े को क्या जवाब देंगे, मैं सोच रहा हूँ कि दरवाजा खोलूं कि ना खोलूं। सोनू भिड़े अंकल तो बहुत गुस्से में है। बोली तारक, जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे भिड़े भाई बेल बजाते रहेंगे। कहाँ फंसा दिया पोपटलाल? अरे भिड़े क्या हो गया, इतनी रात गए और हाथ में धोखा क्यों लेकर आए हो?
मेहता साहब, मुझे आपसे गंभीर विषय पे बात करनी है। अच्छा चलो। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, आपके घर में। आइए आइए। सॉरी याना। भिड़े भिड़े, क्या हुआ, क्या क्या जरूरी बात करनी थी, और किसे ढूंढ रहे हो? पोपटलाल को। मेहता साहब, ये पोपटलाल ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। आज पोपटलाल की वजह से मेरे मामा के सामने मेरा सिर शर्म से झुक गया है। पता है, है? मेरा मतलब है कि पता है कि गोकुल धाम में ऐसी हरकत पोपटलाल ही कर सकता है। वैसे पोपटलाल ने ऐसा क्या किया कि मामा के सामने तुम्हारा सर शर्म के मारे झुक गया? अरे क्या बताओ मेहता साहब, बोले अगर पोपट अंकल मेहता अंकल की खिड़की से बाहर निकले और सोनू ने देख लिया तो? बाप रे, अगर ऐसा हुआ ना तो हम पोपट अंकल की कोई मदद नहीं कर पाएंगे, बुरे फंसेंगे पोपट अंकल। और इसीलिए मैं पोपटलाल को ढूंढ रहा हूँ। पोपटलाल यहाँ पे आया है? नहीं, वैसे पोपट भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उन्होंने। लेकिन अंजलि, शादी की बात जब आती है ना तो पोपटलाल कुछ भी कर सकता है। पोपट भाई आपको, मतलब पोपट भाई को ये समझना चाहिए था ना कि उनकी ऐसी हरकत से मामा जी कैसे रिएक्ट करेंगे। ये मत अंजलि भाभी, मामा के रिएक्शन से तो हम पर बिजली गिरी है, बिजली। मामा ने रिश्ता तोड़ दिया है हमसे। और ये जब बात दिमाग में आती है ना मेहता साहब, तो बहुत दर्द होता है। पोपट भाऊजी की इस हरकत से मामा को बहुत बुरा लगा है और हमें भी। माधुरी भाभी, हम समझ सकते हैं, अब जो हुआ सो हुआ। हम पोपट भाई को समझा देंगे कि वो विद्या के मामा से और आपसे माफी मांग ले। नहीं नहीं अंजलि भाभी, विद्या के मामा नहीं, मामा मेरे, विद्या मामा की बेटी है। हाँ, मतलब आप सबसे माफी मांग ले। नहीं नहीं, पोपटलाल को माफी तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले मैं उसको ढूंढ के रहूंगा, उसे पहले मैं सजा दूंगा, फिर उसे शिवगंगा गांव लेके जाऊंगा मामा के पास। पोपट अंकल कहाँ हो आप? क्या कर रहे हो तुम दोनों? सॉरी। आप दोनों प्लीज सच सच बताइए, पोपटलाल यहाँ पे नहीं छुपा है ना? नहीं भिड़े। पक्का? भिड़े, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है मेहता साहब, आप मेरी कसम खा के कहिए कि पोपटलाल यहाँ पे नहीं छुपा है। क्या भिड़े, तुम शिक्षक हो और तुम ये कसम वसम की बात कर रहे हो? मेहता साहब, अभी वो सब छोड़िए, आप मेरी कसम खा के बोलिए कि पोपटलाल यहाँ पे नहीं छुपा है। बेटे, मैं कोई कसम नहीं खाने वाला, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो खुद अंदर जाके देख लो, और अगर पोपटलाल छुपा है तो ढूंढ लो। अरे मेहता साहब, मुझे बचा रहे हो कि फंसा रहे हो? हाँ माधुरी भाभी, अगर आप लोगों को हम पर भरोसा नहीं है तो फिर आप तसली कर लीजिए। नहीं नहीं अंजलि भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हमें आप पर पूरा भरोसा है, हम लोग आपका घर नहीं देखना चाहते है। अहो, बोला ना कहीं तरी। हाँ नहीं, भरोसा तो है, लेकिन फिर भी मेहता साहब, अगर पोपटलाल यहाँ पे आए तो उसे प्लीज मत छुपाना, मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, आपको मेरी दोस्ती का वास्ता। हाँ हाँ भिड़े, बिल्कुल। आज तुम्हें पोपटलाल को ढूंढ के रहूंगा, मुझे पता है वो सोसाइटी में ही कहीं है, अगर सोसाइटी में से किसी ने उसका साथ दिया तो मैं उसको भी माफ नहीं करूंगा। लेकिन भिड़े, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पोपटलाल सोसाइटी के बाहर भाग गया हो। नहीं नहीं भाग सकता मेहता साहब, मैंने अब्दुल को बोला कि गेट बंद करके वहीं पे रुके, और टपू सेना को भी बोला है कि यहाँ वहाँ नजर रखे, जैसे ही पोपटलाल दिखेगा मुझे इन्फॉर्म कर दे। पोपट भाई तो टपू सेना की फेवरेट अंकल है। नहीं लेकिन
सोनू है ना गोगी कोली के साथ। हाँ सोनू तो मुझे इन्फॉर्म कर ही देगी ना, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ आज। चल माधवी। पोपटलाल बाहर आओ, बाहर आओ। कोली, पोपट अंकल पकड़े गए होंगे क्या? मुझे कैसे पता? पोपटलाल गया कहाँ? ए गोली गोगी, अरे तुम लोग जब भी मैं तुम लोग के पास आऊँ तुम लोग पीछे क्यों जाते हो? क्या? अभी मैं तुम दोनों को जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना। क्या? ये पोपटलाल तुम लोग के फेवरेट अंकल है ना? हाँ? क्या सुना नहीं दिया? मैंने पूछा पोपटलाल तुम लोग के फेवरेट अंकल है ना? हाँ। तुम दोनों को मैंने बोला है कि पोपटलाल दिखते ही मुझे इन्फॉर्म करना। तो अभी पोपटलाल अगर तुम लोग को दिखे तो तुम मुझे बताओगे या अपने फेवरेट अंकल का साथ दोगे? भिड़े अंकल, ये भी कोई पूछने की गल है? आगे तो बोलो, उसका मतलब क्या हुआ? साथ दोगे कि नहीं दोगे? भिड़े अंकल, हम झूठ का साथ कभी नहीं देंगे, हम हमेशा सच का साथ देंगे। जो भी होगा आपको बता देंगे। एक जगह तो देखनी रह गई। जेठा भाई दमन गए हैं। अरे वो मुझे पता है, मैं वरना देख रहा हूँ। पोपटलाल, सॉरी सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशान होना पड़ा, और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। क्या सॉरी पोपटलाल? अगर भिड़े को पता चला होता कि हमने तुम्हें यहाँ पे छुपा के रखा है तो हमसे रिश्ता तोड़ देता। ना तो हम झूठ छिपा पा रहे थे और ना ही सच बता पा रहे थे, क्योंकि आप दोनों हमारे परिवार का हिस्सा हो। अरे भिड़े भी मेरे परिवार का हिस्सा ही है, लेकिन अभी हालात ही कुछ ऐसे हो गए तो मैं क्या करूं? पोपटलाल, मैं तो कहता हूं कि भिड़े के पास जाओ और माफी मांग लो। वो डांटेगा, गुस्सा होगा, लेकिन तुम्हारा टेंशन तो दूर हो जाएगा। नहीं 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 मेहता साहब, मुझे जोशी ने कहा है कि आज मुझे किसी भी प्रकार के घर्षण से दूर रहना है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कल सुबह तक मैं भिड़े के सामने नहीं जा सकता। और अगर कल सुबह भिड़े ने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम्हारा टेंशन और नहीं बढ़ेगा। आप पोपट भाई का टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। मैं पोपटलाल का टेंशन बढ़ा नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि भिड़े अभी भी पोपटलाल को ढूंढ रहा होगा। हाँ, ये भिड़े शांति से बैठने वालों में से नहीं है। दोस्तों, पोपटलाल का नसीब जोर पर है या मेरा ये तो पता नहीं, लेकिन पोपटलाल मेरे घर पे नहीं पकड़ा गया। कभी कभी व्हाइट बॉल पे सिक्स लग जाता है। फिलहाल सिचुएशन ये है कि भिड़े ने पोपटलाल के घर के बाहर ताला लगा दिया है और सोसाइटी के गेट पे भी ताला लगा दिया, यानी कि पोपटलाल अपने घर भी नहीं जा सकता और सोसाइटी के बाहर भी नहीं जा सकता, और भिड़े के डर की वजह से मेरे घर से भी बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों, अगर ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाए और वहां पे पुलिस वाला ना हो तो हम बुरी तरह से फंस जाते हैं। मैं भिड़े और पोपटलाल के बीच में ठीक इसी तरह से फंस गया हूँ, क्योंकि पोपटलाल नाम की आफत मेरे घर पे छुपी हुई है और भिड़े नाम की आफत बाहर सोसाइटी कंपाउंड में घूम रही है। अब देखना यह है, क्या मैं पोपटलाल को भिड़े से बचा पाऊंगा या नहीं? दोस्तों, भिड़े और पोपटलाल का आमना सामना होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आपका सामना सिर्फ और सिर्फ हंसी से होगा। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।